एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमके ग्लो जोन और मैं हूं आपकी होस्ट ममता। गाइस, आज मैं लेके आई हूं एक टोनर का रिव्यू जो कि स्पेशली है ऑयली स्किन वालों के लिए। गाइस, ऑयली स्किन वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि उनके फेस पे मेकअप वगैरह टिकता नहीं है, क्योंकि ऑयल आता है फेस पे तो मेकअप काला पड़ जाता है बहुत टाइम। मतलब ऑयली स्किन वालों को हर चीज़ चूज करके लेनी पड़ती है। ओके, नॉर्मल स्किन वाला क्या है, कुछ भी लगा लेगा, या फिर जिनकी ड्राई है स्किन उनको एक ये होता है कि अच्छा वाला मॉइस्चराइजर वो अप्लाई कर लेते हैं तो उनका फेस वैसे ही काफ़ी अच्छा उनको फील होता है और मेकअप भी टिका रहता है। बट ऑयली स्किन वालों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि उनका जैसे ही फेस ऑयल छोड़ता है, ऑयल आना शुरू होता है तो पैची हो जाता है मेकअप या ब्लैक पड़ जाता है, इस तरीके की दिक्कत बहुत रहती है। तो इसके लिए मैंने पर्पल पे सर्च किया, एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा मुझे मिला जो है टोनर। ओके, वो उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनकी ऑयली स्किन है, हाईली रिकमेंडेड है उन लोगों को जिनकी ऑयली स्किन है। ओके, तो उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये मैंने पर्पल से बाय किया है, गुड वाइब्स का है ये, पैचुली प्लस सीडर वुड फाइट रिंकल्स एंड सीबम कंट्रोल। ओके, ये एक टोनर है, नॉर्मल टोनर होते हैं उसी तरीके से, बट स्पेशली है ऑयली स्किन वालों के लिए क्योंकि ये सीबम कंट्रोल करता है, आपके स्किन से जो भी ऑयल वगैरह है सब कंट्रोल करेगा वो। ओके, जो हमारे पोर्स होते हैं उनसे वो ऑयल को बाहर नहीं आने देगा, लॉक कर लेगा उसको वहीं पर। ओके, उसके साथ फाइट रिंकल्स, जिनके रिंकल्स पड़ने लग गए हैं, एज अभी नहीं है रिंकल्स वाली और फिर भी रिंकल्स आने लग गए हैं, हंसते हुए यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं, तो उनको रिंकल्स जिनको प्रॉब्लम है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पैचुली, पैचुली में अगर हिंदी में बात करूँ तो सुगंधरा बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है कई बार जैस्मिन थेरेपी होती है या उसमें वीडियोस वगैरह में देखा होगा कई बार वो कैसे बताऊँ मैं, फ्लावर्स वगैरह के अर्क से ऑयल से उनकी जो थेरेपी की जाती है वैसे ऑयल होता है ये, एक सुगंधरा ऑयल, सुगंधरा पेड़ का अर्क लिया जाता है। ओके, तो ये बहुत फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही अच्छी होती है। और सीडरवुड जैसे कि सब जानते हैं, देवदार का पेड़ बोलते हैं उसको, उसकी पत्तियों का जो ऑयल होता है उससे मिलकर बना है, मेन इंग्रेडिएंट इसमें पैचुली एंड सीडरवुड ही है। उसके अलावा जो इसमें है वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, एक्वा, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन एसिड, लैक्टिंग एसिड, डीप एथेनिल और सी सोडियम, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है, बट मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है पैचुली एंड सीडरवुड। ओके गाइस, तो ये हमारा फाइट रिंकल, रिंकल से फाइट करेगा और हमारा जो है ऑयल कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ इसका जो मैं प्राइस आपको बताऊं, प्राइस है इसका 235 जो इस पे मेंशन है, बट वहां पे डिस्काउंट आपको चलता रहता है तो वहां पे मिल जाता है इजीली डिस्काउंट, और 2021 तक इसकी शेल्फ लाइफ है। ओके, इसको भी सेम यूज करना है जैसे हम नॉर्मल जो टोनर होता है उसको यूज करते हैं, बस इसको आई एरिया थोड़ा सा उसको कवर करना आपको होगा इसमें। ओके, इसको भी नॉर्मल तरीके से ही हमें यूज करना है, पहले फेस वॉश करना है अच्छे से, हमारे जो फेस को सूट करता है उस फेस वॉश से, उसके बाद हमें फेस को रब नहीं करना है, टैप टैप करके पोंछना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। मैं अभी अप्लाई करके आपको इसको दिखा दूंगी। ओके, तो ये है अगर आपको रिंकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और ऑयल से रिलेटेड, ऑयली स्किन है, तो आप इस टोनर को इजीली परचेज कर सकते हैं पर्पल से और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको इसका अब दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। ओके, चलिए तो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना पूरा फेस का मेकअप हटाना पड़ेगा, मैं अपना पूरा मेकअप हटा रही हूँ, वाइप से ही हटा रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ेगा अभी, इसलिए मैं वाइप से ही अपना प्रॉपर देखिए सारा मेकअप लगा इसमें मैंने हटा लिया। पूरा फेस का मेकअप आपको हटाना है, उसके बाद आपको फेस को वॉश करना है, ठीक है। काजल लगे रहने देते हैं, पूरा फेस आपको धोना है, उसके बाद टैप टैप करना है टॉवल से, ठीक है, टैप टैप करना है। अब इसकी बॉटल में दिखा देती हूँ आपको कैसी है,
इसकी बॉटल है ये, ओके कांच की बॉटल है, थोड़ा सा आपको इससे संभल के रहना है, कांच की बॉटल है, कहीं टूट सकती है, तो इसके लिए आपको इसको ढंग से रखना होगा। ओके सेम अपना फेस वेस आपको वॉश करने के बाद स्मेल भी काफी अच्छी है इसकी, मैंने जो बताया ना आपको सुगंधरा वैसे ही लग रहा है, मुझे थेरेपी लग रही है, बहुत अच्छी स्मेल है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आपको पोंछना नहीं है, जैसे नॉर्मल टोनर को हम पोंछते नहीं है, सूखने देते हैं 2 मिनट, ऑब्जर्व होने देते हैं हमारे पोर्स के अंदर, तो सेम एज आपको इसके साथ भी करना है। ओके तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नई नई होम रेमेडीज के लिए और रिव्यूज के लिए मुझे फॉलो कीजिए, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम के ऊपर होम रेमेडी चाहिए तो मुझे उसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।